अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की हियरिंग में आज छठा दिन भी समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिन से इस मामले में यूनियन अपने सबमिशंस पेश कर रही है, क्योंकि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर एडवोकेट्स ने अपने आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सामने पेश कर दिए है, जिसमे सीनियर एडवोकेट्स राजीव धवन और कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। 6th डे की हियरिंग में रिस्पोंडेंट की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट साकेश द्विवेदी और नीरज किशन कौल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। 3 दिन से यूनियन की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स फाइनली जाकर आज खत्म हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक बड़ा ही मुश्किल सवाल रख दिया है। सवाल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बैकवर्ड कम्युनिटी को ही चूज कर सकती है, क्या तो मुस्लिम्स या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब क्लासेस के लोगों को। जहाँ SG ने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी तो कहा है, वही सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी ही मानने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके अलावा और क्या क्या सबमिशन सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखे गए हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब तक के पिछले हियरिंग में हमने देखा है कि कैसे सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने में कि वे एक माइनॉरिटी स्टेटस के हकदार नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने 1920 एक्ट से रिकॉग्निशन लेने की वजह से ब्रिटिशर्स को एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का हक दे दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स को लॉयलिस्ट बताते हुए SG मेहता ने कहा है कि 1920 के समय बाकी भी यूनिवर्सिटीज मौजूद थी, पर किसी ने अपना माइनॉरिटी स्टेटस लूज नहीं किया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश से रिकॉग्निशन नहीं ली, और ऐसे यूनिवर्सिटी सच एस BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सॉलिसिटर जनरल की नजर में नेशनलिस्ट है। SG ने पिछले हियरिंग में तहलका भी मचा दिया था जब उन्होंने कहा कि अपने लॉ ऑफिसर होने के कैपेसिटी में वे 1981 अमेंडमेंट को नहीं मानते हैं, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट की थी। CJI तो क्या, सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच पूरी की पूरी चौंक गई थी, पर SG शांत नहीं हुए। उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये केवल उनका ओपिनियन नहीं है बल्कि यूनियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड है। SG मेहता ने एक आर्ग्यूमेंट ये भी उठाया था कि यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो उस हिसाब से उसे आर्टिकल 30 के तहत टेस्ट नहीं किया जा सकता है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म होने के करीबन 30 साल बाद आई है। हालांकि CJI इस आर्ग्यूमेंट से कुछ खास खुश नजर नहीं आए, और इधर से ही SG मेहता ने छठे दिन की हियरिंग शुरू की है। उन्होंने प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट के मामले में ये क्लैरिफाई किया कि वे ये नहीं कहना चाह रहे थे कि 1920 इनैक्टमेंट एक्ट की वजह से पास्ट गायब हो जाता है। ही स्टेटेड, इट वॉज नॉट माई सबमिशन दैट वंस एन इनैक्टमेंट कम्स द पास्ट इज एवापोरेटेड और एक्सटिंग्विश्ड। माई रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज वेर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश द स्टैट्यूट टेक्स ओवर। SG के इस बात से CJI DY चंद्रचूड़ ने अग्री किया कि एक हद तक SG बेशक सही है, एंड स्टेटेड, यू आर राइट टू दिस एक्सटेंड दैट इफ अ स्टैट्यूट व्हिच इज अ कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लुक बियॉन्ड द स्टैट्यूट। हालांकि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने वापस से यही बात दोहराई कि दिस इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट एंड व्हाटएवर इज एक्सटिंग्विश्ड कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर SG के सबमिशंस को CJI DY चंद्रचूड़ ने बीच में रोका, इसलिए क्योंकि 30 जनवरी मार्टिस डे भी है और सभी ने देश के वीरों के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया। इस साइलेंस के बाद SG मेहता ने एक ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रख दिया कि सब सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं रह सकती है क्योंकि वे एक नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। अब क्योंकि AMU एक नेशनल इम्पोर्टेंस वाली इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बैकग्राउंड के लोगों को ही बेनिफिट दे, एंड स्टेटेड, द डिमांड फॉर प्रोवाइडिंग 50% रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन AMU वुड ओनली अलाउ हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कम्युनिटी। जिसके बाद SG ने आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 का रेफरेंस दिया, विच ग्रांट्स रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस सो दैट दे कैन बी ऑन पार विद द प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। SG ने कहा कि अगर मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन रहेगी तो अ डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ SC/ST वुड नॉट हैव रिजर्वेशन, बट अ पर्सन हैविंग ऑल इकोनॉमिक एवरीथिंग एट हिज कमांड बेस्ड ऑन रिलीजन विल हैव रिजर्वेशन। और बस सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में यही डिसाइड करना है कि क्या वे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे या SC/ST/SC/BC कम्युनिटी को। SG मेहता ने इधर क्लैरिफाई भी किया कि वे रिलीजन के माध्यम पे नहीं बोल रहे हैं, पर ये सच्चाई है। जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, तभी 70-80% स्टूडेंट्स उसी कम्युनिटी के थे, एंड स्टेटेड, आई एम नॉट ऑन रिलीजन, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस फेनोमेनन, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रिफ्लेक्ट द नेशनल स्ट्रक्चर, विदाउट रिजर्वेशन दिस इज द पोजिशन। जब CJI ने SG मेहता से सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, इन द एबसेंस ऑफ एन एक्सप्रेस ऑब्लिटरेशन ऑफ द पास बाई द स्टैट्यूट, कैन द कोर्ट नॉट लुक इन टू द प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री अनलेस वी फाइंड दैट देर आर सर्टन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द स्टैट्यूट, तो SG ने इसे साफ इनकार कर दिया ये कहते हुए, हिस्ट्री कैन हैव सेवरल शीट्स एंड डिफरेंट वर्जन विच इज वाई अ स्टैट्यूट वुड बी द फाइनल अथॉरिटी,
जिसके साथ एसजी मेहता के सबमिशंस खत्म हुए। अब बारी आती है सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की, जिन्होंने सबमिशंस पेश करते हुए सबसे पहले कहा कि एक माइनॉरिटी क्या है डिसाइड करना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने तीन क्राइटेरिया भी दिए हैं, विच आर अ कम्युनिटी मस्ट बी न्यूमेरिकली फ्यूअर देन द मेजॉरिटी, इफ द रूलिंग ग्रुप इज न्यूमेरिकली स्मॉलर इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ माइनॉरिटी, द ग्रुप इटसेल्फ शुड कंसीडर एंड आइडेंटिफाई एज अ माइनॉरिटी। उन्होंने कहा भी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 75 इयर्स के हिस्ट्री में अभी तक ये क्वेश्चन डिसाइड ही नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी कौन है। द्विवेदी ने इस बात पर फिर जोर दिया कि मुस्लिम होना और माइनॉरिटी होना दो अलग चीजें हैं, एंड स्टेटेड टू बी अ मुस्लिम इज वन थिंग एंड टू बी अ माइनॉरिटी इज अनदर थिंग। जिसके साथ ही उन्होंने माइनॉरिटी को एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी बताया है। अब क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में ब्रिटिशर्स के समय बना था, तो सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रख सकती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर कोई भी माइनॉरिटी नहीं थे। ही स्टेटेड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी, द रिलेशनशिप वाज ऑफ द इंपीरियल रूलर एंड द सब्जेक्ट, वी वर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल ट्रीटेड अलाइक, ऑल सब्जेक्टेड इन द सेम मैनर। द्विवेदी के ये आर्ग्यूमेंट सुनने पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, इज इट योर कंटेंशन दैट बिकॉज प्रायर टू 1947 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एज वी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज टुडे, देयरफॉर एनी इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिफोर 1947 और रियली बिफोर द एडवेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो सच इंस्टीट्यूशन विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस। जिससे सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने अग्री किया और कहा कि सीजीआई उनकी बात समझ रहे हैं। द्विवेदी ने आगे ये भी कहा कि आर्टिकल 30 के राइट्स एक 1920 इंस्टीट्यूशन को देना गलत होगा। जब आगे उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का कंसेप्ट 26 जनवरी 1950 को बना है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई। हालांकि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी यहां रुके नहीं और ऐड करते हुए कहा, आर्टिकल 30 वाज ओनली इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेफगार्ड टू प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी द हिंदूज। द्विवेदी की ये बात सुनकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया, व्हाट चेंज टुक प्लेस ऑन जनवरी 26, 1950 दैट द मुस्लिम्स व्हिच अकॉर्डिंग टू यू वुड नॉट हैव माइनॉरिटी स्टेटस बिफोर 1950 सडनली गॉट माइनॉरिटी स्टेटस आफ्टर 1950, व्हाट इज द बिग चेंज दैट टुक प्लेस। इसका जवाब देते हुए राकेश द्विवेदी ने कहा कि पार्टीशन और पाकिस्तान का फॉर्मेशन भी एक रीजन था जिससे ये डर बना था कि शायद मेजॉरिटी हिंदू इंडियन मुस्लिम्स को दबा ना दे। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको ही इक्वल सिटीजनशिप राइट दे रही है, फिर ऐसे में हाउ कुड द मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस। इसका जवाब देते हुए द्विवेदी ने कहा कि क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ने एक दूसरा रिलीजन, लैंग्वेज और स्क्रिप्चर्स फॉलो किया था, इसलिए। इन सब के बावजूद भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी एग्जिस्ट करते थे और माइनॉरिटी टर्म 1950 में इन्वेंट नहीं हुआ है। यहाँ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने द्विवेदी को समझाते हुए कहा, आर्टिकल 30 वाज इंटेंडेड टू होल्ड आउट एन अश्योरेंस दैट यू आर प्रोटेक्टेड टू द कम्युनिटीज व्हिच वर अदरवाइज जॉइनिंग द मेनस्ट्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वन आर्टिकल ऑफ दैट प्रोटेक्शन वाज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। हालांकि द्विवेदी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से मुस्लिम माइनॉरिटी है, इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, पर द प्रॉब्लम arise when we take these principles back to several decades saying that most of these colleges are established. राकेश द्विवेदी ने आगे एसजी मेहता के उन submissions को support किया जिससे मेहता ने कहा था कि अजीज बाशा judgment सिर्फ AMU के respect में है और ना कि बाकी minority institutes के। उन्होंने ये भी कहा कि अजीज बाशा judgment को overrule करना एक public mischief भी होगा और union का control AMU से ले लेगा, जिन्होंने अभी तक इतने पैसे AMU में invest कर दिए हैं। राकेश द्विवेदी ने अपने submissions end करते हुए एक judgment को cite किया, that is Vaman Rao versus Union of India 1981, जिसमें ये कहा गया है, अ प्रेसिडेंट कैन ओनली बी ओवररूल्ड बाय अ कोर्ट ओनली व्हेन द कोर्ट इज फुली कन्विंस्ड दैट पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ अ सब्सटेंशियल कैरेक्टर वुड बी जेपर्डाइज्ड। हालांकि द्विवेदी ने कहा कि ऐसा यहां कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद अपने सबमिशंस लेकर पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पिटिशनर्स को ही टारगेट किया कि वे सुप्रीम कोर्ट की 7-judge बेंच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच को सिर्फ आर्टिकल 30 के तहत एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर वाले पॉइंट पर जोर देना है और ना कि अजीज बाशा जजमेंट की वैलिडिटी के बारे में सोचना है। वक्त की कमी की वजह से 6th डे की हियरिंग भी समाप्त हुई। अब अगले दिन सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल अपने आर्ग्यूमेंट्स वापस से पेश करेंगे। इस न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।